और जहां तक कुछ वीडियोस का जो सवाल है, जो जामिया यूनिवर्सिटी के कुछ वीडियोस जो कल और आज जो मीडिया में प्रचुरित हो रहे हैं, उसको लेकर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस के पास ये वीडियोस हैं, इसमें क्या सच्चाई है वो खुद दिल्ली पुलिस इस पर जांच पड़ताल करेगी। और इसके साथ छेड़छाड़ किया गया ऐसे बताया जा रहा है, और कुछ लोगों को छात्र बताया जा रहा है, उनके हाथ में पत्थर है, ये पत्थर की पढ़ाई, कौन सी पत्थर की पढ़ाई हो रही है जामिया में, हमें तो समझ नहीं आ रही है कि आप कंप्यूटर से पढ़ाई होती है लेकिन पत्थर को भी हाथ में रख के पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये छात्र हैं, क्या ये बाहर के कुछ लोग घुसकर कैंपस के अंदर अराजकता फैलाने के लिए गए हैं। छात्र है तो फिर नकाब क्यों पहनते हैं, नकाब पहनकर कौन अपने आइडेंटिटी को बचाना चाहता है, केवल जो उपद्रवी है, जो कानून विरोधी काम करते हैं वही अपने आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं। तो ये इसलिए एक तरफा इस प्रकार बयान देना और इसको राजनीति से जोड़ना, ये कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार के सोच का हम निंदा करते हैं। और जब जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर जो सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट में चार बसेस, सरकारी बसेस जलाए गए, दो पुलिस व्हीकल्स जलाए गए, कई पेट्रोल बम फेंके गए और कुछ गन शॉट्स भी सुनाई गए, कुछ गन शॉट्स भी कुछ लोगों को लगे हैं, तो ये केवल उपद्रवी इस प्रकार के काम करते हैं, अराचक तत्व इस प्रकार के काम करते हैं और मासूम छात्र इस प्रकार के काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हम इसकी राजनीतिकरण की, कांग्रेस पार्टी का राजनीतिकरण की जो उनका विचार है, उनका हम घोर निंदा करते हैं।